है, वो जा रहे हैं हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर जहाँ पर वो पैदा हुए थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये आ चुकी है बिरयानी और पीसीस देखिए, एक रमोद साहब का ही बोलते हैं इसे जो है गांधी जी आके लेकर आए। ये इनके बुक्स, दो बुक्स पढ़ा करते थे जिसमें जो कुछ लिखा था। हे वेलकम टू माय चैनल, और दिस इज़ बेरोजगार। अभी अपन पहुंच चुके हैं सिवान, और अब सिवान के आगे की सीरीज हो रही है यहाँ से स्टार्ट। तो अब देखते हैं, हमारा जो प्लान है वो बेसिकली स्टार्ट हो गया सिवान एक्सप्लोर करने का। तो अभी फ़िलहाल हम आए हैं, तुम्हें पता ट्रैवल करने के बाद इंसान को लगती है सबसे ज़्यादा भूख। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कहाँ, एक फेमस ढाबे पर सिवान के, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब कोलकाता की बिरयानी। अभी वो बिरयानी आएगी तो मैं आप लोगों को आगे बिरयानी दिखाऊंगा। मेरे को नहीं पता था कौन सी फेमस दुकान है, इसलिए मैंने भाई से पूछा, किस भाई से, वो भी सामने बैठे हैं। तो अभी फिलहाल वो बिरयानी आएगी, मैं आपको बिरयानी दिखाऊंगा। भाई बहुत फेमस है, क्राउड देखते ना नीचे, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है नीचे। मतलब अभी ऊपर आकर आराम से तसल्ली से बैठ चुके, तीन मंजिल, तीनों मंजिल में उन्होंने रेस्ट बना रखा है। तो सिवान की स्टार्टिंग हमारी सिवान के फेवरेट फूड से हो रही है, जो कि यहाँ की कोलकाता की सबसे फेमस बिरयानी है। और तुम्हें पता है तुम्हारा भाई बिरयानी पसंद करता है। अब यहीं से हो रही है सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं सिवान एक्सप्लोर करने के लिए। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहें, बिल्कुल बने रहें और पूरी सीरीज़ का एंजॉय करें। तो ये आ चुकी है बिरयानी और पीसीस देखिए, एक रमोद पीसीस और आलू, फुली दम बिरयानी है। और उसकी खुशबू, क्या खुशबू आ रही है। किसका प्राइस क्या था इसका? 90 रुपीज़ में ये। और पेट भरने वाला बहुत सब मज़ा आने वाला है। सिवान का पहला फूड ट्राई कर रहे हैं, खाते हैं और बताते हैं कैसा है। चलिए, तो अभी फाइनली अपन खाना पीना खा के निकल चुके हैं सिवान में। तो सिवान में हम जो बेसिकली जा रहे हैं, वो जा रहे हैं हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर जहाँ पर वो पैदा हुए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो अभी हम उनके घर जा रहे हैं, क्योंकि सिवान में कुछ नहीं है ऐसा खास, सब सिमिलर था, बस एक यही चीज़ यूनिक है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं एक्सप्लोर कर दिया जाए आज का दिन। तो आज हम जा रहे हैं उनके जन्मभूमि, उनके घर, उनके स्थान। अभी हम पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप नीचे पोस्टर देख सकते हैं, उल्टा दिखाओ, मैं अभी आपको सीधा दिखाता हूँ। तो यहाँ से निकलते हैं उनके घर और फिर वहाँ जाके आप लोगों को दिखाते हैं कि उनका घर एक्चुअली था क्या। तो ये मैं एंटर कर चुके हैं राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे। तो मतलब बिहाइंड में देख ही सकते हैं, ये ओपनिंग गेट है जिसमें मतलब दोनों साइड कैरीज बना रखी है, प्लस में सामने उनकी एक प्रतिमा बना रखी है। तो अभी अपन चल रहे हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पे गांधी जी भी आके बैठा करते थे, और जिस चौकी पे, मतलब चौकी बोले तो जिस चारपाई पे वो लेटा करते थे, वो चारपाई अभी भी एज इट इज़ है। तो अभी हम उस चारपाई को भी देखेंगे, और मैं करता हूँ बैक कैमरा ऑन और आपको दिखाता हूँ यहाँ का पूरा व्यू। तो ये इनका घर है, तो बिल्कुल सफ़ेद हो रखा है, मतलब कलर वैसे ही आई थिंक एज इट इज़ शुरू से। अब बस थोड़ी बहुत पेंटिंग हुई होगी तो हुई होगी, नहीं हुई होगी। ये इनके यहाँ जाने का रास्ता है, ताकि हम चलते हैं अंदर देखते हैं। ये देखिए वुड का काम रखा ऊपर पूरा, यानी दिख रहा होगा भी कि नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। जो आप लोगों ने देखा वो था उनका नया वाला घर, जो मतलब उनके मतलब पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद बना था। अब ये जो देख रहे हैं यह है इनका पुराना घर, जो जिनमें उनका बचपन बीता था, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी का। ये देख सकते हैं ये घर है नॉर्मली, और एक छोटे से गाँव से निकल के वो भाई हमारे देश के फर्स्ट प्रेजिडेंट बने थे, मानना तो पड़ेगा। तो मतलब ये ऐसे रूम होते हैं कि ये एक्चुअल में है, और ये उनका पुराना वाला घर है।
रूम में देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से रूम है। और ये पुराने ज़माने में जो अभी के ज़माने में संदूक हुआ करते हैं ना, पुराने ज़माने में संदूक हुआ करती थी जो उनके घर में है, लकड़ी की होती है पूरी प्रॉपर। बाकी ये इनका वो होता है जिसे आंगन कहते हैं आई थिंक यहाँ पे। और ये पूरा यहाँ का व्यू, चलिए अब थोड़ा आगे देख लेते हैं, पूरा घूम जाते हैं इनके घर। ये मतलब सारे घर हैं इनके, मतलब जितने अब तो यहाँ कोई रहता नहीं एक तरीके से, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। बाकी सारे यहाँ से अमेरिकन ले गए हैं सामान आई थिंक, ऐसा किस्मत अली कह रहा है। ये देख ही सकते हैं आप लोग, तो ये इनका पुराना वाला घर। चलते अब आपको दिखाते हैं नया वाला घर, जो कि अभी रिसेंटली नहीं मतलब उनकी पढ़ाई वढ़ाई के बाद जो बना है वहाँ। चलो चलते हैं। ये गद्दे उस टाइम से अभी तक लगे पड़े हैं। चलो A few moments later, यही वही मतलब चारपाई बोलते हैं इसे, जो है इस पर गांधी जी आके लेटा करते थे। ये जैसे कवर अप कर रखा है शीशे से। बाकी आउटर व्यू, हरियाली हरियाली हो रखी है। ये इनके रूम्स, चलो चलते हैं इनके रूम में देख के आते हैं। गांधी जी मतलब म्यूजियम टाइप में बना दिया इन्होंने। अब शुड द प्योर द एंड, ये सारी चीज़ें उनके फ़ोटो वगैरह हैं, गांधी जी का प्रभाव। तो ये पूरा एक तरीके से म्यूज़ियम बना रखा है, मतलब छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा रूम है म्यूज़ियम। बाकी ये इनके बुक्स, जो बुक्स पढ़ा करते थे या जिसमें जो कुछ लिखा करते थे। चलो चलते हैं थोड़ा बाहर और शूट करते हैं थोड़े सिनेमैटिक्स। किस्मत अली, एक्सप्लोर कर चुके हैं अपना ये प्रेसिडेंट का होम, आप भी देख ही चुके होंगे, तो कैसा लगा बताइएगा। अगर आप सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, फिलहाल तो चलते हैं अभी हम किस्मत के घर, किस्मत के गांव विजिट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को शाम को 4 बजे से पहले निकलना भी है, कहीं हमें दूर डेस्टिनेशन जाना है, 200-250 किलोमीटर जाना है बाइक से, तो भी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा ऑन टाइम। वहाँ जाते हैं फिर आगे की सीरीज़ वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इस सिवान के मतलब पार्ट को यहीं करते हैं एंड, और अगले एपिसोड में निकलते हैं हम किसी अगले डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं यहाँ से। वैसे बिहार में धूप बहुत ज़्यादा है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए कोई नहीं, आप लोगों के लिए मैं थोड़ी गर्मी तो झेल सकता हूँ। मिलते हैं आपसे इसी बिहार सीरीज़ के अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, बेरोजगार के साथ, बेरोजगार टीम के साथ। चलिए धन्यवाद आप।